हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्षय बोलती हैं कि जेनिफर से ज़्यादा दूर रहना, और वैसे भी मुझे आप पे कोई शक नहीं है बट मुझे जेनिफर पे भरोसा नहीं है। तो अक्षय ने अपने ऊपर भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा। खैर, श्रुति किसी तरह खुद को समझा लेते हैं और नीचे जाते हैं लोग। तो जेनिफर बैठी हुई होती है, तो अक्ष जेनिफर से बोलते हैं कि आज शाम को चलते हैं। जेनिफर बोलते हैं कहाँ चलना है अक्ष? तो कहते हैं कि क्लब में पार्टी करने। तो कहते हैं कि ठीक है, तो आप क्या पहन रहे हो? तो कहती है अभी डिसाइड नहीं किया है बट कुछ तो पहनूंगी। तो श्रुति कहती है कुछ तो पहनना ही पड़ेगा, अब बिना कुछ पहने तो जाओगे नहीं आप। हाँ, तो सब हंसने लगते हैं। तो अब बारी आती है श्रुति की, तो जेनिफर श्रुति से पूछती है कि आप क्या पहनने वाली हैं? तो जेनिफर बोलती है आई डोंट नो मैं क्या पहनने वाली हूँ, बट कुछ तो पहनूंगी ना, कुछ अच्छा सा सोवर सा कुछ तो पहनना ही पड़ेगा। तो कहती है इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या पहनेंगे आप। कहती हैं देखते हैं क्या पहनते हैं, लेट्स सी। तो कहती है कि ठीक है। तो जेनिफर चली जाती है अपने रूम में और ये लोग अपना काम वाम करते रहते हैं, इधर उधर की बातें, और जैसे तैसे ये टाइम बीतता है। शाम हो जाती है और पार्टी में जाने का टाइम हो जाता है। तो श्रुति अक्षय कहती है मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। तो अक्षय कहता है मैंने उस दिन डिसाइड किया तो था तुम ये पहन लेना। कहती है नहीं पहनना मुझे, वो बेकार है, मुझे कुछ और दिलाओ, मुझे कुछ और पहनना है बस। तो अक्षय कहते हैं बाबू काम डाउन, जान काम डाउन, कुछ और पहन लो, कुछ और अच्छा सा पहन लो ना बेबी। कहती बोल दिया ना नहीं पहनना तो नहीं पहनना, बात ख़त्म ना, मुझे कुछ और दिलाइए बस। कहती अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, क्या चाहिए आपको? कहते अब इतनी जल्दी मैं आपको क्या दिला के लाऊं? कहते मुझे नहीं पता, आप मेरे हस्बैंड हो ना, आपको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था ना कि मुझे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है। आपको मुझे पार्टी में लेके जाना है तो आपको पता होना चाहिए ना मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। आप कुछ भी ख्याल नहीं रखते हो, मेरा बेकार हो आप बिल्कुल, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। एट यू बेकार हो आप। कहती अच्छा मैं बेकार हूँ? कि हाँ आप बहुत बेकार हो, बहुत बेकार हो आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो कहते अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा ना करो। कहते नहीं यार आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी। तो वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो अक्ष जो है उसके पीछे से आते हैं और कहते हैं ठीक है फुलाए रहो मुंह, हमेशा मुंह बना लेते हो, हमेशा मुझसे नाराज़ रहते हो, हमेशा मुझ पे गुस्सा करती रहती हो, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है यार। तो कहते हैं ठीक है ना मत कीजिए ना बात, वैसे भी कौन सा आप मुझसे बातें करते रहते हो, वैसे भी नहीं करते हो तो अब भी मत करो, ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है, मत कीजिए मुझसे बात। तो वो ऐसे कहती रहती है, गुस्सा करती रहती है। तो अक्ष पीछे से एक पैकेट ला के श्रुति के आगे कर देता है। तो श्रुति पैकेट की तरफ देखती है और फिर अक्ष की तरफ देखती है। तो कहती है क्या है? तो अक्ष कहता है खोल के देखिए। तो श्रुति जैसे ही पैकेट खोलती है तो उसमें से एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी ड्रेस निकलती है, लॉन्ग ड्रेस, लॉन्ग गाउन होता है बहुत बड़ा सा। खैर जो पहले अक्ष ने पसंद किया होता है इनकी ड्रेस में से वो भी गाउन होता है, बट इस बार थोड़ा यूनिक होता है और एक डिज़ाइनर गाउन होता है। तो श्रुति उसको देख के बहुत खुश होते हैं और उसका कलर भी बहुत प्यारा होता है, थोड़ा पर्पलिश शेड में होता है तो बहुत प्यारा कलर होता है। श्रुति बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं आप पहले से लेके आए थे ना, फिर भी मैं इतना गुस्सा करती रहती हूँ, और आप सुन रहे थे बोल सकते थे ना कि आप लायो। कहते यार तुम्हारे गुस्से में भी ना प्यार नज़र आता है, ये जो तुम नखरे करती हो, डिमांड करती हो, मुझ पर चीखती हो चिल्लाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्यों मना करूँगी तुम्हें, तुम ही मुझे बताओ, बोलो बोलो।
मुँह तो खोलो। हाँ क्यों मैं मना करने लगी कि तुम मत करो ये सब। हाँ ऐसे करके वो उनके गालों पे किस कर लेते हैं श्रुति के। तो श्रुति कहते हैं आई लव यू सो मच, कितना ख्याल रखते हैं ना आप मेरी हर चीज़ का। तक्ष कहते हैं जी बिल्कुल, लेकिन आप हमारा ख्याल नहीं रखती हैं। श्रुति कहती है सीरियसली मैं आपका ख्याल नहीं रखती हूँ। कहती है बिल्कुल नहीं रखती हैं। अब आपको यही नहीं पता आपके पति को इस समय सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कैसे मैं कहूँ कि आप मेरा ख्याल रखती हैं, आप ही बताइए। तो श्रुति कहती है अच्छा तो अभी मेरे पति को किस चीज़ की ज़रूरत है ज़रा हम भी तो जाने। तो कहती अब जब बताना पड़े तो क्या फ़ायदा। ये कह के अक्ष जो है वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। तो श्रुति उन्हें पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि बताइए ना किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपने सामने लाते हैं। उसके बाद उनको घुमाकर ज़ोर से हक कर लेते हैं पीछे से मतलब, और कहते हैं कि मैडम। कहते हैं हाँ ये तो आपको पता होना चाहिए, हमसे पूछ रही हैं। कहते हैं आप ही बताएंगे ना। कहती ओ मैं बताऊं कि हाँ आप ही बताएंगे। कहें कि अभी आपके पति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके प्यार की है और किसी चीज़ की नहीं है। तो वो कहती हैं अच्छा अभी हमें शायद तैयार होना है और जाना है, हम लेट हो रहे हैं। तो कहती अरे यार कहीं नहीं लेट हो रहे हैं, तुम शांत रहो। तो श्रुति कहती हैं बेबी हम सच में लेट हो रहे हैं। कहती नहीं हो रहे हैं ना बाबू लेट, मत तो आप इतने टेंशन लो, हम सच में नहीं लेट हो रहे हैं। तो कहते हैं हम सच में लेट हो रहे हैं ठीक है। कहते हैं कि घड़ी की तरफ देखिए आप, मेरे फेस से फेस हटाइए, घड़ी की तरफ देखिए हम लेट हो रहे हैं। तो वो उनका फेस पकड़ के घड़ी की तरफ करती है, बट अक्ष उनका हाथ पकड़ लेते हैं और नीचे कर लेते हैं और फिर से उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। तो श्रुति कहती है यार आप कितने शरारती होते जा रहे हो ना, हर वक्त रोमांस। कहते हैं लोग तरसते हैं ऐसे रोमांस के लिए श्रुति मैडम, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कहती अच्छा इस रोमांस के लिए ना मैंने बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं। तो अक्ष चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। तो श्रुति समझ जाते हैं कि इन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं शायद। तो कहते हैं कि अच्छा अब तो घड़ी देख लीजिए जनाब, लेट हो रहे हैं, अब आप लग रहा है किसी सोच में पड़ गए हैं। अब इतनी खूबसूरत बीवी, इतनी हॉट बीवी बाहों में हो और आप किसी और की सोच में हो, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो अक्ष कहते हैं अरे हटिए है जनाब, किसे इतनी फुर्सत है जो किसी और चीज़ के बारे में सोचे जब आप हमारी बाहों में हो। तो कहती अच्छा घड़ी तो देख लीजिए प्लीज़, सच में अब लेट हो रहे हैं अक्ष, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तो कहती अरे यार अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही तुम निगाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही तुम निगाहों में हो। तो श्रुति कहती है देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। अब चले अगर आपका ये रोमांस, ये गाने,
ये दीवानगी ये सब ख़त्म हो गई हो तो अब हम चलने का कष्ट करें जनाब। तो अक्ष कहता है चलना पड़ेगा, कहती है डेफिनेटली चलना पड़ेगा, चलिए। और ये कह के वो खुद को अक्ष की भाव से छुड़ाती हैं और उनको जो है कहते हैं अब चलिए जाइए। तो अक्ष कहता है नहीं ना बाबू, कल चलते। कहती है बिल्कुल नहीं, आज ही चलेंगे, बात ख़त्म तो ख़त्म, हम आज ही चलेंगे, दैट्स इट। कहती ओके मैम साहब, जैसा आप कहें, जो आप कहें वो हमको मंजूर है। कहते हैं दैट्स गुड, आप ऐसे ही रहा करिए, ऐसे ही हर बात मानते रहा करिए ना, मुझे बड़े क्यूट लगते हो आप। कहते हैं अच्छा जी, थैंक यू जी, मैं आपको इतनी क्यूट लगती हूँ। कहते हैं हाँ वाकई बहुत क्यूट लगते हो। कहते हैं अच्छा। फिर श्रुति ड्रेस खोलते और तैयार होने चले जाती है। अक्ष की ड्रेस कपड़े वो पहले से ही निकाल देती है, तो अक्ष भी रेडी हो जाते हैं फटाफट। जेनिफर ऑलरेडी रेडी हो रही होती है। अब अक्ष जो है वो श्रुति का वेट कर रहे होते हैं कि श्रुति कब निकल के बाहर आएंगी, कब बाहर आएंगी। लेकिन श्रुति से वो ड्रेस एक्चुअली पहन तो लेती है, बट उसकी जिप नहीं बंद हो रही होती, क्योंकि उसकी बैक जिप होती है तो वो बंद नहीं हो रही होती है। तो परेशान हो जाते हैं। अब वो अंदर ही अंदर बाथरूम में ही मतलब वो परेशान हो रही होती है। तो अक्ष कहते हैं यार कितनी देर लगाओगी श्रुति, हाँ ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है यार, बाबू आ जाओ प्लीज़। कहती है यार आ रही हूँ, अभी आती हूँ, रुको। तो कहती है कि क्या हुआ। कहती है यार सच में, अरे यार। तो कहती हुआ क्या। कहती यार ये चैन बंद नहीं हो रही। कहती तो बाहर आओ ना, मैं हेल्प करती हूँ। तो श्रुति कहती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, ये कह के वो बाथरूम से बाहर आती है। और अक्ष की जैसे ही नज़र श्रुति के ऊपर पड़ती है, वो तो बस उनको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरी रेडी हो चुकी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका वो बैग की चैन नहीं लग रही होती है। तो बहुत परेशान होती हैं। तो कहती है यार, वो अक्ष उनको देखते ही रहते हैं और श्रुति उनके पास आते हैं और कहते हैं चैन बंद कीजिए ना। तो अक्ष कहते हैं कि हाँ। कहते क्या हो गया आपको, चैन बंद कीजिए। तो अक्ष कहते हैं कि वैसे सांसें लेते हैं। तो श्रुति उनकी तरफ बड़े गौर से देख रही होती हैं और अक्ष उनके जुल्फों को साइड करते हैं और कहते हैं जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदवी का चांद हो। और ये कहते हुए श्रुति को जोर से हक करते हैं और पीछे से उसके ड्रेस की चेन बंद कर देते हैं। तो अक्ष के दिल की धड़कन उनके बेचैनी का, उनकी मदहोशी का हाल बयान कर रही होती है। श्रुति को उन्हें इस तरह देख के बड़ा मज़ा आता है। वो होता है यार, जब कोई अपना पार्टनर अपने लिए तड़पता है ना तो मज़ा ही अलग होता है, ये जान के कि वो हमारे लिए कितना बेचैन है। तो इस समय वही खुशी श्रुति को फील हो रही होती है। श्रुति को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है उनको इस तरीके से देख के, इस तरीके से उन्हें महसूस करके उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है।
अब श्रुति पीछे होती हैं चेन बंद होते ही, तो कहती हैं हाँ हटिए छोड़िए। तो अक्ष छोड़ते नहीं हैं, कहते हैं लेट हो रहे हैं बाबू। तो अक्ष फिर भी नहीं छोड़ते उनको और उन्हें ज़ोर से अपने पास खींच के हक करते हैं। तो श्रुति कहते हैं क्या देख रहे हो आप ऐसे, तो कहते हैं कि चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो श्रुति कहती है आप तो पागल हो चुके हो, और ये कह के वो उन्हें धक्का देती है और थोड़ा ड्रेसिंग की तरफ जाती है। तो अक्ष कहते हैं कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो श्रुति हंस पड़ती है, तक कहती हैं आप तो पागल हो गए, और कुछ बाकी है वो भी कह दो। तो कहते हैं कि कह दूँ कि हाँ कह दीजिए, कौन आपको रोक सकता है। तो कहते हैं कि हाँ ये भी बात सही है, मुझे कौन रोक सकता है, राइट। तो सुन लो फिर, कहती क्या सुन लो। तो कहते हैं कि सोने जैसे, हाँ। तो श्रुति कहती है कि अच्छा तो अब ये बाकी है, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल बाकी है। तो अक्ष कहते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगा। तो श्रुति कहती है आप ना पागल हो चुके हो, चलो यहाँ से, ठीक है। तो कहती है अच्छा जी अब तो हम पागल ही हैं। लेकिन अक्ष उनके पास नहीं जाते, वो दूर से ही उनकी खूबसूरती का जायका चख रहे होते हैं। इसका भी अपना एक अलग मज़ा है। तो वो दूर से ही उनको निहार रहे होते हैं। अब श्रुति उनको शीशे में से देख रही होती हैं और कहते हैं इनका ना कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी तो इतने ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं कि हद नहीं, और कभी कभी इनके अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि मैं तो इन्हें दिखती नहीं हूँ। तो कहते हैं अच्छा जी, कहते हैं और क्या, मतलब वो मन में ऐसे बोल रहे होते हैं। तो अक्ष कहते हैं कुछ बोला था ना, तो कहते हैं तुमने सुना क्या, कहते हैं नहीं मुझे सब लगा। तो कहते हैं तो आपने कैसे कहा अच्छा जी, कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हारी खूबसूरती को देख के कह रही थी अच्छा जी। कहती हैं ओहो सीरियसली, कि हाँ, कहते हैं अच्छा हम चलें। तो अक्ष कहते हैं कि एक बार कुछ और हो जाए, हाँ। तो श्रुति कहती है नो बिल्कुल नहीं, आप बहुत शरारती हो चुके हो, ठीक है, और अपनी ये शरारत बिल्कुल बंद कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, यहीं रुके आप, कुछ नहीं मिलेगा अब आपको। तो कहते हैं ऐसा जुल्म ना कीजिए हम पे, हाँ, हम मोहब्बत के मारे किधर जाएंगे, जिधर जाएंगे बस बिखर जाएंगे।
तो श्रुति कहते हैं हरगिज़ नहीं, आप बहुत शरारती हो चुके हो, अभी हमें जाना है तो जाना है, लेकिन नक्श उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं और कहते हैं इस खूबसूरती का कुछ तो राज बता दीजिए। हाँ तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या राज बताते हैं श्रुति, क्या श्रुति उनके मोहब्बत के झरोकों के साथ बह जाएंगी या उन्हें संभाल लेंगी और पार्टी में जाएंगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।